रिडक्शन क्या होती है देखो रिडक्शन क्या होती है या तो आपका गेन ऑफ क्या होगा गेन ऑफ हाइड्रोजन होगा या फिर क्या हो सकती है कि लॉस ऑफ लॉस ऑफ ऑक्सीजन को भी आपका रिडक्शन कहा जाता है तो ये रिएक्शन भी वैसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि वन मार्कर में क्या आ जाता है इसका कंप्लीट द रिएक्शन आ जाता है सो so, इस रिएक्शन में फिर हम क्या करेंगे फिनोल की देखो बेसिकली क्या होता है जो आपका फिनोल है दिस इज़ योर फिनोल दिस इज योर फिनोल आपकी जो फिनोल है उसकी रिएक्शन किसके साथ होती है जिंक मेटल के साथ होती है ये बहुत ही सिंपल और रियट बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है और इसके बाद क्या होता है और क्या होता है इसे हीट भी करा जाता है तो इसकी जब हीटिंग करेंगे जिंक की प्रेजेंस में तो ये क्या होता है यहाँ पर ऑक्सीजन की रिमूवल होती है और आपको बेंजीन मिलता है ऑक्सीजन की रिमूवल कैसे जो जेड एन है वो ऑक्सीजन अपने साथ लेके कर जेड एन ओ बना देता है और यहाँ पर क्या है यहाँ पर आप देख सकते हो कि सिंस ऑक्सीजन की रिमूवल हुई है तो दैट इज़ वाई दिस रिएक्शन इज़ नोन एज रिडक्शन ऑफ फिनोल क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का लॉस हुआ है और ऑक्सीजन का लॉस जो होता है वो आपका क्या कहलाता है योर योयर रिडक्शन तो जिंक डस्ट मतलब यहाँ जिंक की डस्ट लेंगे जस्ट इतना डस्ट लेनी है उसकी और हीट करना है तो आपको यहाँ पर जेडनो बनने का देखो अब इसको रिएक्शन को आपको याद कैसे रखना है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट जैसी रिएक्शन है और बहुत सिंपल है जिंक से याद रखो जैसे वो जिन होते हैं अलादीन का जिन उसने क्या किया उसने इस पर फिनोल के ओएच OH पे फूक मारी और यहाँ से ओएच OH उड़ गया फूक मारने से ओएच OH उड़ गया और यहाँ पे आपका ओएच OH आया नहीं इस तरह से आप शॉर्टकट में इस रिएक्शन को याद कर सकते हो और बेसिकली दिस योर रिएक्शन इज़ व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन रिडक्शन और ये वन मार्कर में आ जाती है बस आपको वैसे ही याद रखना है कि यहाँ पर ये जिंक क्या है एज अ जिन यूज़ हो रहा है जिन जो होता है जिन ने फूक मारी और यहाँ से ओ OH गायब हो गया बस ये इस रिएक्शन को आपको याद करने का तरीका है नेक्स्ट रिएक्शन में चलते हैं आपकी रिएक्शन है आपकी ऑक्सीडेशन देखो पहले वाली थी रिडक्शन रिडक्शन थी रिडक्शन कैसे होगी जिंक की प्रेजेंस में और फिनोल की ऑक्सीडेशन कैसी है ये भी इंपॉर्टेंट है देखो जो अल्कोहल के केस में हमने ऑक्सीडेशन की रिएक्शंस करी थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी उसमें आपने क्या क्या करा था कि अगर वीक आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो आपकी रिएक्शन को एल्टीहाइड तक रोक देगा वन डिग्री अल्कोहल के लिए अब उसके बाद क्या होता था अगर स्ट्रॉन्ग अगर आपका अगर आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो वो रिएक्शन को फर्दर कहाँ तक ले जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड तक बहुत सारी चीज़ें होती थी टू डिग्री अल्कोहल को आप किटोन में कन्वर्ट कर देते थे किटोन से आगे वो रिएक्शन नहीं जाती थी बट फिनोल के केस में इतनी वो इतनी ज़्यादा इलेबोरेटेड रिएक्शन नहीं है क्योंकि एक ही रिएक्शन है फिनोल के ऑक्सीडेशन में अब फिनोल की ऑक्सीडेशन में क्या है आपके पास ये देख लो दिस इज योर फिनोल हम यहाँ पर बनाते हैं दिस इज योर फिनोल और यहां पर ऑक्सीडेशन होनी है देखो यहां पर ऑक्सीडेशन होनी है तो ये जो ऑक्सीडेशन है वो मेनली किसके प्रेजेंस पे होती है आपने यहाँ पर सोडियम डाइक्रोमेट लिखना है सोडियम डाइक्रोमेट सी आर टू ओ सेवन प्लस साथ में क्या लिखना है आपने एच टू एसओ फोर सल्फ्यूरिक एसिड एच टू एसओ फोर यह क्या है ये आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है मैंने बताया भी था पहले लिस्ट बनाई है पहले लिस्ट बना के बताई है आपको कौन से स्ट्रांग है कौन से वीक आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है दिस इज द स्ट्रोंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक तरह से ये एक जोन्स रिएजेंट ही है बट उसे थोड़ा मॉडिफाई करके लिखा है जोन्स रिएजेंट ही है ये अब क्या होता है यहां पे आप क्या एक्सपेक्ट करोगे जब भी इसकी ऑक्सीडेशन करवानी है तो आपका यहां पे इसका इसका चेंज हो गया डबल बॉन्ड हो आ जाए आएगा और बिल्कुल पैरा पोजिशन पे भी डबल बॉन्ड ओ आएगा और आपका यहां और यहां पर भी दो डबल बॉन्ड आएंगे देखो कितना ज़्यादा यूनिक आपके पास ये बन रहा है और इसका नाम क्या है दिस इज़ ऐसे जो ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं ऐसे कंपाउंड्स होते हैं वो आपके क्विनोन होते हैं एंड पर्टिकुलरली अगर आपको लिखना है तो दिस इज दें दिस इज बेंजो बेंजो क्वी नोन दिस इज योर बेंसोक्विनोन और देखो यहाँ पे क्या है ये कॉन्जुगेटेड है एक सिस्टम क्योंकि यहाँ पे एक बॉन्ड को छोड़ के डबल बॉन्ड आपको देखने को मिल रहा है दिस इज यूर बेंसोक्विन इसीलिए कभी भी रिएक्शन में आए कि फिनोल के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है आप बेंजोक्विन बनाओगे तो यहाँ पर भी हम ये देख लेते हैं देखो अब इसमें रिएजेंट की बात कर रहे हैं अब ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल हैपन्स विथ क्रोमिक एसिड देखो जो आपको यहाँ लिखा है बेसिकली क्या होता है जब इसकी रिएक्शन होगी तो आपके पास मिलना क्या है आपके पास क्रोमिक एसिड ही मिलना है तो इसका मतलब या तो आपके पास रिएक्शन मिक्सर में ये लिखा हो जो सोडियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड है जो कि एक तरह का जोन्स रिएजेंट भी है या तो ये लिखा आए या फिर आपके पास एच टू सी आर ओ फोर लिखा है जैसे देखो सल्फ्यूरिक एसिड क्या है एच टू एस ओ फोर उसी तरह से क्रोमिक एसिड में भी बस सल्फर से क्रोम क्रोमियम को रिप्लेस करना है बाकी फार्मूला सेम है फार्मूला याद करने का तरीका है सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है एच टू एस ओ फोर और क्रोमिक एसिड क्या होगा एच टू सी आर ओ फोर सल्फर को रिप्लेस करो क्रोमियम से तो ये वाला रिएजेंट आ जाए या फिर ये आ जाए दोनों ही सेम है क्योंकि जब इसकी रिएक्शन इसके साथ होगी तो आपको क्रोमिक एसिड ही देखने को मिलेगा तो या तो ये भी लिखा आ सकता है सेम थिंग है ये लिखा आ सकता है ये भी सेम थिंग है क्योंकि ये क्या है ये भी जोन्स रिएजेंट ही है अब आप कहोगे कि पीछे तो आपने जोन्स रिएजेंट कुछ ऐसा देखा था कि क्रोमियम ट्राई सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर अब क्या है ये जो आया है ना ये भी इसी से ही आया है तो चाहे जोन्स में ये लिखो चाहे ये लिखो दोनों ही इक्वल इक्वली इम्पॉर्टेंट है आपके क्योंकि अगर आप सोडियम डाइक्रोमेट को फर्दर आगे डिस्ट्रीब्यूट करोगे उसे तोड़ोगे फर्दर क्या मिलेगा आपको सी आर ओ थ्री ही मिलना है आपको ओके तो जोन्स रिएजेंट ये लिखो ये लिखो या ये लिखो सभी क्या है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है सभी फिनोल के रिएक्शन किस में देंगे आपको बेंजोक्विनोन में देंगे और बेंजोक्विनोन एक क्या है कॉन्जुगेटेड डाईकिटोन देखो ये भी पता होना चाहिए ये क्या है क्योंकि इसमें डबल बाउंड ओ ये क्या है कौन सा ग्रुप लगा है किटोन वाले ग्रुप लगे हैं क्योंकि दोनों तरफ इसके आर आर है इधर भी दोनों तरफ कार्बन कार्बन है तो ये दोनों जो ग्रुप्स है आपके वो किटोनिक ग्रुप्स लगे हैं तो हम बोल सकते हैं

अगेन एक और चीज़ है जो आपके एन में भी है कि अगर फिनोल को ऑक्सीडाइज करा जाए यहाँ तो पर्टिकुलर एक रिएजेंट आपने लिया है अगर फिनोल को आपका एयर में रखा जाए और आपको पता है एयर में क्या होगी ऑब्वियसली उसकी स्लोली इतनी जल्दी ऑक्सीडेशन तो नहीं होगी उसकी क्या होती है फिनोल की एयर में स्लोली उसकी क्या होगी ऑक्सीडेशन होती है और ऑक्सीडेशन से भी क्या बनेगा ऑक्सीडेशन से भी आपका ये बेंजोक्विनोन ही बनेगा क्वीन की तरह लग रहा है ना डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ इस तरह से करो क्वीन की तरह बनाओ बेंजो ही बनेगा और साथ में कुछ और प्रोडक्ट भी आपको मिलेंगे तो आपको यहाँ पे एक मिक्सचर क्या मिलेगा एक डार्क कलर का मिक्सचर मिलेगा आपको डार्क कलर का एक मिक्सचर मिलेगा क्योंकि इसके साथ और चीज़ें भी बनेगी और क्या है इसका कलर क्या हो जाएगा बाय द टाइम इसका कलर डार्क कलर हो जाएगा इसीलिए आपको ये चीज़ भी याद रखो कि दोनों ऑक्सीडेशन ऑफ द ऑफ़ द फिनोल से बेंजोक्विनोन तो बनता बनता है पर जब एयर की प्रेजेंस में आप करते हो वो स्लो आपकी ऑक्सीडेशन देता है एयर का क्या मतलब एयर लिखा हो या फिर आपका ऑक्सीजन इस तरह से लिखा हो सेम थिंग है इसकी क्या होती है स्लो ऑक्सीडेशन होती है उससे बेंजोक्विनोन तो बनता ही है साथ में इसका जो मिक्सचर का कलर होगा दैट वुड बी डार्क इन कलर बिकॉज जो साथ में कंपाउंड्स बन रहे होंगे उसकी वजह से इसका डार्क कलर आपके पास आ गया तो लास्ट जो आपकी रिएक्शंस थी उसमें आपने क्या पढ़ा ऑक्सीडेशन ऑफ द फिनोल और रिडक्शन ऑफ फिनोल भी पढ़ लिया तो ये जो फाइव रिएक्शंस है दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देखो रिवाइस मैं करवा देती हूँ फिनोल की क्या रिएक्शंस पढ़ी आपने फर्स्ट आपने पढ़ी है इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन जिसमें कि आपने नाइट्रेशन करा हलोजिनेशन करा सेकंड आपके पास आई कोलबेस रिएक्शन थर्ड आई आपके पास राइमर टाइमन रिएक्शन फोर्थ एंड फिफ्थ कौन सी है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन में जिंक ने वही वाला जिन ने फूंक पारी ओ OH एच ग्रुप हट गया और बेंजीन आपके पास मिल गया जैसे कि यहाँ पर है यहां पर आपको क्या मिला है दिस इज योर बेंजीन आपके पास बेंजीन मिला है इसीलिए ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो जाती है और ऑक्सीडेशन में फिनोल के बेंजोक्विनोन मिल गया ये भी एक इंपॉर्टेंट है तो इसका मतलब जो बेंजीन की आपके पास फिनोल की आपके पास रिएक्शन ये फाइव रिएक्शन है दिस ऑल फाइव आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट आपके पास बन रहे हैं वो आपके कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है सो थैंक यू सो मच आज का क्या है फिनोल की रिएक्शन यहां तक कंप्लीट हो चुकी है आपकी